नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर हमारी चार धाम यात्रा सीरीज में। दोस्तों, 5 दिन की पैदल यात्रा करने के बाद उत्तरकाशी से गंगोत्री 100 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंच चुके हैं हम गंगोत्री धाम। ऊंचे बर्फीले शिखर जिसकी पृष्ठभूमि में हैं, गहरी घाटियां जहां देवदार चीड़ के पेड़ों के बीच झिलमिलाती नदियों का आगमन होता है, यह भौतिक दृश्य एक जादू बिखेरते हैं। गंगोत्री धाम माँ गंगा का उद्गम स्थान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान रामचंद्र जी के पूर्वज चक्रवर्ती राजा भगीरथ ने यहाँ एक पवित्र शिलाखंड पर बैठकर भगवान शंकर की प्रचंड तपस्या की थी। उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न होकर के अपनी जटाओं को फैला करके बैठ गए और गंगा माता को अपनी घुंघराली जटाओं में लपेट लिया था। यह सामने जो आपको सुंदर सा मंदिर दिखाई दे रहा है, इसका निर्माण गढ़वाल के गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने 18वीं सदी में गंगोत्री मंदिर का निर्माण सेमवाल पुजारियों के निवेदन पर उसी जगह पर किया जहां भगीरथ ने तप किया था। माना जाता है कि जयपुर के राजा माधव सिंह द्वितीय ने 20वीं सदी में मंदिर की मरम्मत करवाई। यह मंदिर 20 फीट ऊंचे सफेद ग्रेनाइट के चमकदार पत्थरों से निर्मित है। दर्शक मंदिर की भव्यता एवं शुचिता देखकर सम्मोहित हुए बिना नहीं रह पाते। दोस्तों, जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने दर्शन किया माँ गंगा के भव्य मंदिर के। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बम भोले, हर हर महादेव।